हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40 टू 50 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर जो कि कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे, ताकि सभी बच्चे जो अपनी डे बाय डे नॉलेज को इंप्रूव कर सके। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, आज है 14th ऑफ अगस्त और कल आने वाली है 15 अगस्त। चलिए, तो आज 14th ऑफ अगस्त के इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूज है जो कि कवर कर लेते हैं आज के न्यूज़पेपर के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है आज सैटरडे है, तो आज अपने जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है, ज्यादातर सैटरडे और संडे को आपके एडवर्टीजमेंट ज्यादा होते हैं, न्यूज कम होती है, लेकिन फिर भी दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के सारे टॉप एग्जाम है, इनमें से अगर आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा प्रीवियस डे के क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद में आज के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट, और आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो 13 अगस्त को कौन सा राज्य इन्वेस्टर समिट की मेजबानी करेगा, तो इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, गुजरात, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कल मैंने आपसे पूछा था जो कि थीम थी इंटरनेशनल यूथ डे को लेकर, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, हमारा नेशनल था 12 जनवरी। हमने बात करी थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लांटरी हेल्थ, ये थीम है जो कि रखी गई थी। नेक्स्ट था, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% आरक्षण देने का निर्णय है जो कि लिया है। 1% आरक्षण की बात करें तो यह महाराष्ट्र के द्वारा दोस्तों किया गया है, ये आपका सही आंसर होगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कब लॉन्च होगा, तो ये 15 तारीख को लॉन्च है, स्टार्ट किया जा रहा है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। ओके, इंडिया फिट इंडिया फ्रीडम रन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रेफरल कोड BHU10 या फिर Gunesh10 जो है वो जरूर लगाना है, ताकि आपको 10% ऑफ है जो कि अनअकैडमी के ऊपर मिल सके, अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिल सके। आप UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की क्लासेस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस। आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है अपना, आपका SSC, UPSC, CDS, CAT, CA, GATE, जो भी आपका एग्जाम है सेलेक्ट कर लीजिए, प्लस में जाइए गेट सब्सक्रिप्शन में, 12 या 24 मैंने सेलेक्ट करके नीचे की तरफ आपको BHU10 है जो कि आपको लगाना है, ठीक है गाइज। और इसके अलावा फ्रीडम ऑफर अभी चल रहा है UPSC प्लस के कॉम्बो के ऊपर, तो आप इस पर भी काफी हैवी डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, ओके, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आपको कोई फ्रेंड जॉब कर रहा है, तो एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन भी जरूर लीजिएगा, smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके एक बच्चे को एजुकेशन देने में मदद कीजिएगा। इसी को लेकर दोस्तों एक नया कैंपेन भी जो है वो अभी चलाया गया है, और कल सुबह 9 बजे से जो है एक कैंपेन है जो कि स्टार्ट होगा स्माइल फॉर ऑल पे, ओके, शिक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी कैंपेन है, जिसके अंदर 1000 फिलैंथ्रोपिस्ट को 1000 बच्चे जो है वो 500 रुपए पर मंथ के अंदर, यानी कि पिज्जा के कॉस्ट पे अडॉप्ट करवाने की कोशिश करें ताकि वो एजुकेशन ले सके। तो कल जो है बहुत सारे बच्चों को जो है वो क्या होगी, इलिटरेसी से भी जो है वो आजादी मिलेगी, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसको ट्वीट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, आपके दोस्तों को बताइएगा जरूर कि वो 500 रुपए पर मंथ में एक बच्चे की शिक्षा को इंश्योर कर सकते हैं, उनको पर मंथ की रिपोर्ट कार्ड है जो कि अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो इस कैंपेन को मैक्सिमम जो है वो शेयर करिएगा, कल सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ओके, आपको जरूर शेयर करना है। साथ में बात करते हैं आज के कोट ऑफ द डे जो कि यहाँ पे आशीष के द्वारा भेजा गया है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, एक बहुत अच्छी बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। जितना पसीना दोस्तों आपको अपने प्रैक्टिस में आता है, उतना ही कम आपको परेशानी है जो कि आपको अपने खेल में, यानी कि मेन टाइम पे जो है वो देखने को मिलती है। इसको आप बहुत चीजों से रिलेट कर सकते हो, इसको आप अपने स्पोर्ट्स से रिलेट कर सकते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम एफर्ट है जो कि आपको अपने फाइनल डे, यानी कि जिस दिन मैच होता है ना, उस दिन आपको लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जितनी अच्छी आप पढ़ाई पहले करोगे ना, उतना ही आपको एग्जाम के अंदर जो है थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिलेगा। कई बार बच्चे बिल्कुल एग्जाम के 2-3 दिन पहले जो है वो टिका के पढ़ाई करते हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने पहले बिल्कुल नहीं करते हैं। तो गाइज सिंपल सी बात है, लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई करके कोई एग्जाम है जो कि क्रैक नहीं होता, आपको जो है पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लोग अक्सर सक्सेस को देखते हैं, उसके पीछे का जो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक का जो स्ट्रगल होता है वो कोई नहीं देखता, लेकिन अगर आपने किसी को
फॉलो करते हैं, अगर आप किसी को जानते हैं जो कि आपकी नजर में सक्सेसफुल है, उनसे पूछेगा, आपको पीछे जो है उनके एक बहुत लॉन्ग स्ट्रगल है जो कि देखने को मिलेगा। तो वो लॉन्ग स्ट्रगल कुछ नहीं होता, वो यही होता है जो आपकी प्रैक्टिस होती है, जो आप बहुत सालों से जो है सीखते हो, आगे बढ़ते हो, गिरते हो, संभलते हो, फिर फेल होते हो, फिर गलती करते हो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर संभलते हो, तो उसी से जाके चीजें जो है वो बिल्कुल इंप्रोवाइज होती है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप अपने प्रैक्टिस को जो है नहीं छोड़ेंगे। साथ में मैंने आपको बताया शिक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी कैंपेन को फॉलो जरूर करिएगा। साथ में दैनिक हिंदू के फ्रंट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे तालिबान ने मेजर कंट्रोल है जो कि काबुल के अफगानिस्तान के ऊपर कर लिया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो है पेट्रोल प्राइसेस को लेकर बात करेंगे। फाइनली दोस्तों कई महीनों के बाद में जो है एक राज्य ने इनिशिएटिव लिया कि चलो ठीक है, खुद के जो पैसा है उसमें से टैक्सेस में थोड़ा कम करेंगे। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने 3 रुपए जो है वो कम कर दिए पेट्रोल के ऊपर। ओके, जो खुद के टैक्सेस थे उसी में से कम है जो कि ये किया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों वेंकैया नायडू जी का स्टेटमेंट है और यहाँ पे पीयूष गोयल जी का, उन्होंने बोला है कि भाई इंडियन इंडस्ट्री का जो प्रैक्टिस है ना वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। ओके, ये यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया, जिसको CII ने यूट्यूब पे डाल दिया, फिर बाद में सरकार ने उसको हटाया भी, मतलब थोड़ा सा पंगे हो गए। ओके चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मार्च ऑफ द तालिबान की बात करें तो कुछ टाइम पहले तक तो हम लोग देखते थे ना, ये देखिए 13 अप्रैल को ये जो ग्रीन वाला है ना ये गवर्नमेंट का कंट्रोल है। 11 मई को देखिए गवर्नमेंट का कंट्रोल और कम हुआ, जून में और कम हुआ, जुलाई में और हो, और अगस्त तक आते आते तो आप देख सकते हैं बस ये बीच वाला जो काबुल का और थोड़ा सा एरिया है, ठीक है ये काबुल वाला एरिया है, ये बीच वाला एरिया बचा हुआ है, अदरवाइज पूरा जो है वो तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। इनफैक्ट यूके यूएस ने भी जितने भी अपने मैक्सिमम लोग हैं, एम्बेसीज के लोग हैं, उनको निकालने के लिए वहां पे प्राइवेट अपने जो प्लेन्स है और जो बाकी फैसिलिटीज है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट कंट्रोल है जो कि कर लिया जाएगा तालिबान का, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए जो कि तमिलनाडु की न्यूज है। देखिए आपको मालूम है कोई भी पेट्रोल प्राइसेस होती है उसके ऊपर 3 मेजर पैसा होता है, एक तो होता है आपका एक्साइज ड्यूटी, एक होता है आपका वैट, एक्साइज ड्यूटी सेंटर के द्वारा, वैट होता है स्टेट के द्वारा, और एक डीलर का कमीशन होता है जो कि ज्यादा नहीं होता, 2-4 रुपए होता है। समझ गए, ये 3 ही जो मेजर पैसा है जो कि पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर जो है वो लगता है। अब इसके अंदर मैंने आपको कल परसों भी पढ़ाया था कि जो आपके अभी जो पैसा लग रहा है उसमें 32 रुपए जो है वो किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है जो कि लिया जा रहा है। ओके, कुछ राज्य जो कि मैक्सिमम ले रहे हैं 28 से 30 रुपए, कुछ राज्य भी जो है टैक्स ले रहे हैं, जैसे कि MP हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, ये भी जो है वो 25 से 30 रुपए के आसपास का टैक्स है जो कि ले रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 32 रुपए के आसपास चल रहा है। 2013 के टाइम पे, 14 के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ये कोई सेंट्रल का 10 रुपए के आसपास था, तो 10 रुपए से 32 रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंच गई, और इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है फिर अपना धीरे धीरे टैक्स बढ़ाना चालू कर दिया। ओके, अभी यहां पे देखिए 13 तारीख से यहां पे 3 रुपए की कटौती होगी, 15 रुपए प्लस 15% टैक्स प्लस 13 रुपए जो है ये पहले ले रहे थे, अभी 13% प्लस 11 रुपए पर लीटर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेने वाली है, तो कुल मिला के 3 रुपए का कट है जो कि इन्होंने किया है। ओके, अगर किसी भी बात करें डीजल और पेट्रोल 22 से 23 हजार करोड़ रुपए पर ईयर टैक्स है जो कि किसी भी सरकार को मिलता है। समझ रहे हो आप कितना मेजर, इसको जीएसटी में क्यों नहीं डाला गया, जीएसटी में डालते तो 28% मैक्सिमम होता। ओके, पेट्रोल और डीजल जो है आपके गिर के कोई 50 रुपए 60 रुपए पे पहुंच जाता, लेकिन 28% तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ले रही है या फिर उससे थोड़ा बहुत आसपास तो उसके ले रही है, और 32% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप देख सकते हैं कि जीएसटी में तो स्लैब ही बहुत पीछे रह गया बेचारा जीएसटी का तो। ओके, इसीलिए इसको जीएसटी में नहीं डाला गया क्योंकि मेजर रेवेन्यू जो है जनरेट होता है, आप देख सकते हो 22 से 23 हजार करोड़ रुपए जो है एक स्टेट के लिए हर साल है जो कि पेट्रोल डीजल के टैक्सेस से मिलता है। अगर अभी इन्होंने 3 रुपए का कट मार दिया यहाँ पे तो इनको कितने का घाटा हो रहा है, यहाँ पे 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस है जो कि इनको एक साल के अंदर हो रहा है। ओके, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा बात करें तो उम्मीद अभी क्या हो चुका है, 108 रुपए पेट्रोल हो चुका है। अभी कोई भी राज्य सरकार कम भी करेगी ना तभी वो 100 के नीचे नहीं जा पाएगी, तो मतलब क्या हो चुका है 100 जो है पेट्रोल अब बेंचमार्क बन चुका है। पहले जैसे कि आज से एक साल पहले, 2 साल पहले जो है वो 70-75 रुपए बेंचमार्क हुआ करता था, एक इंसान के दिमाग में होता था कि ठीक है 70-75 रुपए पेट्रोल हो गया इतना मैनेज होना चाहिए, लेकिन अब क्या हो चुका है कि इतना ज्यादा जा चुका है कि लोगों के दिमाग में सब जगह पे 100 रुपए बेंचमार्क हो चुका है। अब 108 से कम भी करेंगे ना ये लोग तब भी 105, 104, 103 तक तो रहेगा ही रहेगा,
मतलब अब तो एक तरीके से ओपन रेवेन्यू का सोर्स है जो कि सरकारों के लिए बन चुका है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों के लिए जो है वो मेजर फायदा है जो कि हो चुका है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया लेकिन फायदा दोनों को ही होगा इससे, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी के हिसाब से बढ़ाते चले गई। ठीक है, तो ये आप बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा बात करें और भी कुछ स्कीम है जो कि तमिलनाडु के द्वारा बोली गई है, जैसे कि 1,000 रुपए पर मंथ महिलाओं को देंगे जो कि ऐड होगी हाउस होल्ड की। इसके अलावा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को जो है 2700 करोड़ का लोन देंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, गांव के अंदर छोटे छोटे होते हैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको। ठीक है, तो ये सब बोली गई है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि पेज नंबर 12। यहाँ पे जो बात करी गई है वो इंट्रानेशनल वैक्सीन के बारे में बात करी गई है। देखिए एक्चुअली के अंदर क्या हो रहा है कि अभी रिसेंटली 3 ट्रायल होते हैं आपको मालूम है, उसमें से दूसरे ट्रायल के लिए जो अप्रूवल है जो कि यहाँ पे सरकार के द्वारा दे दिया गया वैक्सीनेशन को लेकर, जो वैक्सीनेशन है ना वो आपके नोज के थ्रू भी डाली जा सकती है। तो भारत बायोटेक ने दोस्तों इंट्रावेसल वैक्सीन जो है देश की पहली वैक्सीन है जिसको रेगुलेटरी अप्रूवल है जो कि ट्रायल्स के लिए मिल गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स है जो कि अभी स्टार्ट हुए हैं, भारत बायोटेक ये जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है। अमेरिका के अंदर भी ये कंपनी है, वो भी इसका लाइसेंस है जो कि ऑलरेडी ले चुकी है, वो भी इसके ऊपर काफी काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है नादिर गोदरेज को लेकर। आप सभी को मालूम है गोदरेज इंडस्ट्रीज दोस्तों बहुत बड़ी देश की कंपनी है। ठीक है, और बफरिंग नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। चलिए, तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमारे यहाँ पे तो 100 ही है, अभी डलवाया मैंने पेट्रोल। तो आप किस्मत वाले हो, आपके वहां पे 100 है, हमारे यहाँ पे तो 108 रुपए है। ओके, और आपको 100 भी बड़ी बात यह है कि आपको 100 भी कम लग रहा है अभी कि भाई 100 में तो सर हमने अभी डलवाया है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि मैंने बता रहा हूँ ना कि एक बेंचमार्क सेट हो गई है आपकी, भाई 100 हो गया तो भी बड़ी बात है, वरना जयपुर में तो 108 रुपए चल रहा है अभी। चलिए, मैंने भी कल ही भरवाया इसलिए आ गया। ठीक है, गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो 1 अक्टूबर से आदि गोदरेज जो है वो हटने वाले हैं एज ए चेयरमैन, और नादिर गोदरेज दोस्तों जो कि एमडी जो है वो सीएमडी की पोजीशन है जो कि लेने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपको मालूम है जो आदि गोदरेज है बहुत टाइम तक जो है गोदरेज के अंदर रहे हैं, काफी टाइम तक उन्होंने संभाला है। ओके, अभी इसके यहाँ पे नादिर गोदरेज जो कि इसके सीएमडी बनने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लेकर। देखो आपको मालूम है हमारे इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउ नहीं है, एक कॉटन के अलावा, दोस्तों कॉटन का प्रोटेक्शन फिर भी कर लेते हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं करा था, अप्रूवल नहीं मिला हुआ। अभी क्या होता है कि जो आपके पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, मुर्गी उर्गी रखते हो जहां पे आप, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो 65% जो कॉस्ट आती है ना पोल्ट्री फार्म के अंदर, वो क्या होता है कि आपके जो फोडर होता है, जो खाना पीना होता है ना, जो आपके मुर्गियों का बाकी का, उसी के ऊपर मैक्सिमम कॉस्ट है जो कि आपकी जाती है। समझिए मेरी बात, कितना 65%। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कोविड के अंदर दोस्तों, क्या हो गया कि हमारे यहाँ पे जो सोयाबीन और जो बाकी चीजें होती है, कॉस्ट होती है जो उनकी फीडिंग करवाने की होती है, वो काफी बढ़ गई है। जहां पहले 34 से 36 रुपए पर केजी के आसपास, ठीक है, इनको मील है जो कि सोया मील, सोया की जो मील है वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, इसी के ऊपर जो है इनका डेवलपमेंट होता है, सोया की मील के ऊपर, सोयाबीन से जो बनी होती है। तो 34 से 36 रुपए पर केजी था, लेकिन अभी क्या हो चुका है इंडिया में इसकी प्राइसेस बढ़ के 96 रुपए पर केजी है जो कि हो चुकी है, 3 गुना है जो कि हो चुकी है। मतलब कैसे जो है पालना कितना मुश्किल हो चुका है। ओके, और इनफैक्ट कोविड के अंदर कई लोगों ने रूमर फैला दिया कि भाई चिकन खाने से हो रहा है, कई लोगों ने बोल दिया मटन खाने से हो रहा है, तो क्या चिकन की रेट गिर जाती है। जब बर्ड फ्लू आता है तो लोग डर जाते हैं, तो भी चिकन की रेट कम हो जाती है, और जो बहुत हार्ड फैन होते हैं चिकन के, उस टाइम पे जो है पेल के जो है खाते हैं, मतलब उस टाइम पे जब बर्ड फ्लू के टाइम पे, क्योंकि रेट बहुत कम हो जाती है। तो जहां पे वो 1 किलो लेके आते थे बेचारा, वो 1.5-2 किलो लेके आते हैं क्योंकि रेट कम हो जाती है, समझ गए। तो पोल्ट्री फार्म के अंदर क्या होता है कि आपकी मेजर कॉस्टिंग इनकी फोडर की आती है। ओके, बहुत सालों पहले ऐसा ही हुआ था, एक मेरे फ्रेंड ने भी पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया था, और ऐसा हुआ था कि पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया, अब उस टाइम पे बर्ड फ्लू आ गया, अब सेल जो है वो डाउन हो गई, अब वो ही वॉज ए राजपूत। ओके, तो राजपूत तो आपको मालूम ही है, बढ़िया चिकन मटन चलता ही है सब घर में बढ़िया आराम से। तो क्या होता है कि वो डेली फार्म जाता और नॉनवेज खा के आता, मतलब खुद की मुर्गियां खुद ही जो है वो धीरे धीरे खत्म करना चालू कर दिया। बोला कि यार विक्टोरिया भी अब क्या करें, कम से कम खुद ही पार्टी कर लो। तो डेली की डेली खुद ही पार्टी करने लग गया, धीरे धीरे दोस्त आने लग गए, दोस्त भी पार्टी करने लग गए। तो मतलब इतना बहुत ही कम रेट हो गई थी बर्ड फ्लू के टाइम पे, तो खुद का पोल्ट्री फार्म पे खुद ही पार्टी हो रही है मतलब। और ऐसे करते करते जहां पे बेचारे 100 चिकन थे, 100
हाँ मुर्गे आती हो धीरे धीरे मुर्गे आते हो धीरे धीरे मुर्गे कम होते चले गए वो वाली बात है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोया मील है ना उसको अलाउ कर दिया है ताकि हमारे यहाँ पे इनकी जो रेट है उसको हम लोग क्या कर सकें, थोड़ी कम कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है उन्होंने भी इसके ऊपर कंसर्न है जो कि जारी किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अलाउ है जो कि हमने नहीं कर रखा। इनफैक्ट जो आपका FSSAI है ना, ओके, उन्होंने भी बोला हुआ है कि हम लोग हमारे देश के टोटल फूड प्रोडक्शन में 1% की थ्रेशोल्ड लिमिट है जो कि रखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड के लिए। मतलब 100 में से 1% है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, 99% हमारे नॉर्मली होंगे, समझ गए। चलिए, तो ये बात है जो कि यहां पे बोली गई है। और आप देख सकते हैं 28,000 करोड़ रुपए का लॉस है जो कि देखने को मिला है। 28,000 करोड़ का लॉस कम नहीं होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। 65% कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के आती है किसी भी फार्मर के। और सोया मिल जो होता है वो एक्चुअली के अंदर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल जो वेस्ट ऑयल होता है ना एक तरीके से उसी से बनाया जाता है, उसके अंदर प्रोटीन काफी बढ़िया होता है। अरे बोला होगा ना आपको, कभी भी पनीर होता है सोयाबीन होता है, टोफू होते हैं, ये सब चीजें सोयाबीन से बनती, तो ये सब आपके प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, है ना। टोफू तो आप समझ गए होंगे, जो जिम विम करते हैं उनको टोफू के बारे में पता होगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते क्या है, ये तो आपको पता होने चाहिए। एक क्रॉप होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जीन जो है ना वो हम लोग आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं। कोई भी क्रॉप के अंदर एक इंजेक्शन के माध्यम से हम आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं कोई दूसरे जीन, जिससे उस वाले क्रॉप के खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है, समझिए मेरी बात। ठीक है, अब इसके अंदर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जो कि आ जाते हैं, जिसके अंदर या तो पेस्ट रेसिस्टेंट बन जाए वो, या फिर हर्बिसाइड टॉलरेंट बन जाए। यानी कि मान लीजिए कोई चीज 5 दिन में खराब होती है तो वो 10 दिन में खराब होगी, क्योंकि हमने उसमें पहले से जो है क्या कर दिया है, जीन का इंसर्शन कर दिया है जो कि उसको खराब होने से बचाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने दोस्तों अभी तक हमारे यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल नहीं दिया है। एफर्ट जो है वो करे जा रहे हैं ब्रिंजल और मस्टर्ड के लिए कि भाई इसको बनाया जाए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज, यूएस, यूके, चाइना वाइना, जापान वापान, सब देशों में जेनेटिकली मॉडिफाइड चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक अलाउ नहीं किया गया। हमारे यहाँ पे पहला जीएम क्रॉप जो था अप्रूव किया गया था कमर्शियलाइजेशन के लिए वो बीटी कॉटन है जो कि किया गया था, बुलगार्ड 1। ये क्या होता है, आपको इम्यूनिटी अवेलेबल करवाता है पिंक बॉलवॉर्म के अगेंस्ट, समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो 2002 में इसको दिया गया था, तो मॉन्सेंटो रिलीज किया गया बॉलगार्ड 2 के अंदर 2006 में। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन का दोस्तों हम लोग है, और उसके अंदर बीटी कॉटन का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है गाइज, 90% जो है टोटल कॉटन हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा लीगल पोजीशन की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी एक जो कि एपेक्स बॉडी है जो कि इसके अप्रूवल के ऊपर काम करती है, समझ गए मेरी बात। अगर आपने बिन बोले बिन अप्रूव करे जीएम क्रॉप को उगाया तो आपको दोस्तों 5 साल की जेल और 1,00,000 रुपए का फाइन है जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत दोस्तों जो है मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। और जीएम टेक्निक और भी बहुत सारी चीजों में काम आती है, बायोलॉजिकल मेडिकल रिसर्च में, प्रोटेक्शन फार्मास्यूटिकल ड्रग के, एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के लिए, जीन थेरेपी के लिए, जीन इंसर्ट करते हैं ना उसके लिए, और गोल्डन राइस हो गया, बीटी कॉटन हो गया, ये सब आपके जीएम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है वो प्रोटीन इंसुलिन है जो कि प्रोड्यूस करता है ना, और जिससे आपको इम्यूनिटी क्रॉप को मिलती है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 16 दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं सेंसेक्स दोस्तों 55,000 के ऊपर पहुंच गया। ओके, ये भी बहुत जबरदस्त बात है। कहां पे 10 साल पहले अगर आपने देखा होगा तो 20-25,000 के ऊपर, 15-20,000 के ऊपर था, लेकिन पिछले 10-15 सालों से आप देख सकते हैं शेयर मार्केट बहुत जबरदस्त ऊपर जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि वॉट एवर यू अर्न प्लीज इन्वेस्ट 55% इनटू द स्टॉक मार्केट। ओके, आने वाले 10 सालों के अंदर आपको जो अपना इंडिया का सेंसेक्स है, जो निफ्टी है, ये आपको 1.5 लाख 2 लाख तक जो है ये पहुंचेगा, समझ गए। यानी कि आपके पैसा जो है वो 4 गुना होने की पॉसिबिलिटी है अगर आने वाले 5-7-8 साल के अंदर। ठीक है, तो पिछले 10 साल पहले किसी ने किया होगा तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आज जो करेगा उसके साथ में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वट एवर यू अर्न ऑलवेज, हो सकता है आप 10,000 रुपए कमाते हो तो 2,500 रुपए सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखो। ओके, पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं।
चलिए आगे बात करते हैं। देखो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत है, डिमांड और सप्लाई बहुत है, समझ गए। तो अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करे, अगर जैसे चल रहा है वैसे चलने देना, अगर तब भी देश तरक्की ही करेगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, डिमांड और सप्लाई तो रहेगी ना रहेगी ना। आप खाना खाओगे खाओगे, कपड़े पहनोगे पहनोगे, मिडिल क्लास जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा ही जाएगा। और हालांकि अभी कोविड के अंदर और जॉब की वजह से थोड़ा नीचे हो गया है, लेकिन ठीक है, थिंग्स विल इंप्रोवाइज ओवर द ईयर। दो तीन साल में चीजें वापस से नॉर्मल हो जाएगी। हम लोग 2 साल पीछे हो गए वैसे बिकॉज ऑफ द कोविड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे वुमेन नेशनल टीम को लेकर। तो यहाँ पे देखिए जो डैनर बाय करके एक प्लेयर है, उनको हेड कोच जो कि सीनियर वुमेन नेशनल टीम का है, जो कि बनाया गया है। ये दोस्तों स्वीडन से बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं थॉमस इनका नाम है। ओके, अंडर 17 टीम को भी ये लोग सिखा रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं AFC वुमेन एशियन कप की, जो कि स्वीडिश मैनेजर थॉमस डिनरबाय को बनाया गया हेड कोच सीनियर वुमेन नेशनल टीम का, ठीक है गाइस। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, पहले अंडर 17 और बाकी को भी कोच है जो कि कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों वही तालिबान के बारे में है, यहाँ पे वेंकैया नायडू जी के बारे में है। OTT प्लेटफॉर्म ने दोस्तों राइटर्स को जो है वो सुपरस्टार बना दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मनोज वाजपेयी का कहना है, बिल्कुल सही बात है, OTT प्लेटफॉर्म से बहुत फायदा मिला है। कहां पे बेचारे राइटर्स को कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, कोई पूछता नहीं था, अभी थोड़ा मूवीज बढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन बढ़ चुका है, वेब सीरीज आ चुकी है, तो लोग थोड़े से राइटर्स को भी जानना थे, राइटर्स आर द रियल पर्सन, ओके, जो कि क्या करते हैं बैकडोर पे काम करते हैं और मेजर रोल होता है उनका किसी भी मूवी के को फेमस करने में या अच्छी मूवी बनाने के अंदर। बस प्रॉब्लम में क्या है, रिकॉग्नाइजेशन उनको नहीं मिलता। तो ये जरूरी है कि आप हमेशा राइटर्स को भी अप्रिशिएट किया करो यार, सिर्फ एक्टर ही नहीं होते, डायरेक्टर भी होते हैं, राइटर्स होते हैं, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए यहां पे बात करेंगे PM की स्क्रैप पॉलिसी को लेकर, ठीक है। और आप देख सकते हैं देश में बिजनेस कितना खतरनाक है कि बोइंग जो है ना वो भी हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, मतलब ओप्पो वीवो सब ऐड देंगे अखबारों के अंदर 15 अगस्त के दिन, ओके, जैसे उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता है कि भाई सेंटीमेंट से जुड़ना जरूरी है। तो 15 अगस्त को बोइंग मतलब इंडिया की कंपनी नहीं है, इवन दो दे आर सेलिब्रेटिंग इंडियन इंडिपेंडेंस, तो हमारा देश बहुत बड़ा मार्केट है, ओके, दैट इज दिस इज द ओनली रीजन। आप ओप्पो वीवो को भी ऐड देखोगे कल के दिन आप अखबारों के अंदर। कई बार तो ऐसा होता है कि मीडिया चैनल के ऊपर मीडिया चैनल चाइना की बुराई कर रहे होते हैं, ओके, और नीचे जो है ओप्पो वीवो का ऐड चल रहा होता है। स्पेशली जो आप ये देखते हो ना, जो मीडिया वाले, जो प्रो गवर्नमेंट मीडिया वाले, जो अन्ना और ये सबके चैनल में, तो आपको ऐसे देखेगा, एक तरफ बुराई कर रहे होते हैं, बैन करने की बात कर रहे होते हैं, और खुद ही जो है नीचे की तरफ प्रमोट कर रहे होते हैं, तो वही है। चलिए आगे बात करते हैं PM को लेकर। PM ने लॉन्च किया स्क्रैप पॉलिसी फॉर अनफिट व्हीकल्स, ओके, प्रोजेक्ट गेन फॉर ओनर्स इकोनॉमी। देखिए क्या हो रहा है कि अगर आपका कोई भी व्हीकल 15-20 साल पुराना हो चुका है तो आप जाइए उसको स्क्रैप करवाइए। एक सर्कुलेशन इकोनॉमी होती है। सर्कुलेशन इकोनॉमी क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये पैन है, अगर इस पैन को मैंने रिसाइकल करवाया तो यकीन मानिए इसमें से 20-30% जो मटेरियल होगा वो फिर से काम आ जाएगा। यानी कि आप सोचिए बनाने में बेचने में कहीं ना कहीं 20-30% का प्रॉफिट है, जो कि आपने किसी भी चीज को नया नहीं बनाया, सिर्फ रिसाइकल किया है। उसी प्रकार से जो भी आपकी गाड़ी होती है उसके भी कई सारे पार्ट है जो कि रिसाइकिल होकर काम में आते हैं, और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, 15-20 साल बाद में आप उसको रिसाइकिल करवाने के लिए दे दो, आपको सरकार क्या देगी, बेनिफिट देगी, समझ गए। क्या बेनिफिट देगी भाई, आपको रोड टैक्स जो होता है ना उसमें रिलीफ देगी, ओके, इसके अलावा आपको जो आप रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है आपकी उसके अंदर भी आपको वेवर अवेलेबल करवाएगी। तो अगर आपके 20-50 हजार रुपए बच जाए और अगर आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवा लो तो ज्यादा बढ़िया है ना, उसको वापस से काम आ जाएगी वो। तो ये दोस्तों अनाउंसमेंट है जो कि कल मोदी जी के द्वारा बोला गया, और बोला गया कि भाई स्टार्टअप्स को भी इसके अंदर आना चाहिए। नेशनल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में यहाँ पे लॉन्चिंग है जो कि करी गई है, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है और उनके जवाब है जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, समझ गए मेरी बात। और पहली बात तो देखिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है ये वॉलंटरली व्हीकल पॉलिसी है, वॉलंटरली है, ऐसा नहीं कि कंपलसरी आपको करवाना ही करवाना है, घर से खींच के लेके जा रहे हैं गाड़ी, नहीं ऐसा नहीं है, आपके ऊपर है। आपके एक जब आप 15 साल गाड़ी को हो जाते हैं तो नॉर्मली गाड़ी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो धुएं छोड़ती है जोर जोर से और कोई लेना देना नहीं होता। आप इन बात ही उसके इंजन के ऊपर पैसे लगा रहे होते हो बार बार, कई लोग जो है वो धक्के मार के चला रहे होते हैं, आपको मालूम है वो, ठीक है। तो अगर आप घर पे खड़ी रख रहे हो, कहीं पर फालतू रख रहे हो उस गाड़ी को, तो उससे धक्के देके चला रहे हो, उससे बढ़िया है कि आप नई गाड़ी पे आप थोड़ा सा डिस्काउंट ले लो, आपको फायदा मिलेगा रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर और रोड टैक्स के अंदर, ठीक है। तो ये वॉलंटरली व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है,
जिससे हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इसको बढ़ावा मिलेगा। यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा हुआ है कि जब वो स्क्रैप पॉलिसी लेके आए थे तो लोगों ने क्या किया, अपनी पुरानी गाड़ियां तो स्क्रैप करवाई और नई गाड़ियां निकाली। तो इससे क्या हुआ, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको भी बूस्ट मिला, इससे आपके जो रिसोर्सेज है उसको भी कम काम में लिया गया, इससे जनता को भी फायदा मिला और इससे पुराने व्हीकल यानी कि जो पॉल्यूशन कर रहे थे वो भी थोड़े से कम हो गए। तो ये दुनिया में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका था और वहां पे सक्सेसफुल है, इसीलिए दोस्तों हम लोग इसको इंडिया में भी जो है वो लेके आने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो इन्वेस्टर समिट जो अभी गुजरात में होगा ना, वहीं पर ही इसको लॉन्च है जो कि किया जा रहा है, ताकि अनफिट और पॉल्यूटिंग व्हीकल जो है वो एनवायरमेंट से उनको साइड में कर दिया जाए। इसको दोस्तों नाम दिया जाता है सर्कुलर इकोनॉमी, समझ गए मेरी बात, जिसमें रीयूज की, रीशेप की, रीअपेयर की, रीमैन्युफैक्चरिंग, रीसाइक्लिंग, कुल मिला के आरई के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करी जाती है, समझ गए मेरी बात। चलिए तो हमारे देश में बात करें तो 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल है जो कि 20 साल से पुराने हैं, मतलब 51 लाख व्हीकल चल रहे हैं जो 20 साल से पुराने हैं, मतलब 20 साल इंसान का चलना आज के टाइम पे मुश्किल होता है, गाड़ियां चला रहे हैं लोग 20 साल पुरानी, पता नहीं चल कैसे रही गाड़ी, समझ नहीं आ रहा। मतलब 34 लाख ऐसे भी व्हीकल है जो कि 15 साल पुराने हैं, समझ गए, 17 लाख मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल से जो कि 15 साल पुराने हैं, यानी कि कुल मिला के अगर मैं मिला लूं ना इनको तो 51 करोड़ के आसपास ऐसे व्हीकल हैं जो कि 15 साल से पुराने हैं और चल रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, धुएं छोड़ रहे हैं, पीछे वाले आदमी को काला करके जा रहे हैं। ठीक है, तो विथाउट वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट के तौर पर ये चल रहे हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा पूरा डाटा है जो कि दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्हीकल ओनर्स को भाग के जो है जाके स्क्रैप पॉलिसी के लिए जाके उसको स्क्रैप कराना अपना व्हीकल। प्रॉब्लम ये भी है कि हमने पॉलिसी तो लॉन्च कर दी लेकिन हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि हमने पॉलिसी हमेशा की तरह दोस्तों वही बात है कि पॉलिसी तो हमने लॉन्च कर दी है लेकिन हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए 1000 लोग अपनी गाड़ियां लेके पहुंच जाए तुरंत कि भाई स्क्रैप करो मुझे तो नई गाड़ी लेनी है, तो भाई हमारे पास जुगाड़ नहीं है उसको काटने का अभी। तो यहां पे बोला गया है कि भाई इंडिया इज स्टिल नॉट रेडी फॉर विद द इंफ्रास्ट्रक्चर टू आइदर टेस्ट और स्क्रैप व्हीकल इन सच ए लार्ज नंबर। तो भाई धीरे धीरे जो है वो किया जाएगा, एकदम से जो है वो भाग के जाके करवाने की जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। कुल मिला के सरकार कोशिश कर रही है कि भाई प्राइवेटली लोगों को मोटिवेट किया जाए कि भाई तुम लोग करो स्क्रैप, हम करवाते हैं, तुम लोगों के लिए बिजनेस जनरेट करते हैं, पूरी दुनिया में बहुत बढ़िया बिजनेस है जो कि ये चल रहा है। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन के बारे में दोस्तों थोड़े से यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखते हैं आने वाले दिनों पे क्या होगा। और ठीक है, बाकी तो इकोनॉमी को काफी बूस्ट इससे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी को दुनिया में भी काफी बूस्ट मिला है, इंडिया में भी इसको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और अगर कोई इसको नहीं करवाता है रजिस्ट्रेशन, अगर मान लीजिए पुराने वाले व्हीकल का फिटनेस टेस्ट नहीं करवाता और बाद में पुराने व्हीकल को भी री रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश कर रहा है, तो देखो ऐसा तो गाड़ी आपने खरीद लिया तो आप गाड़ी को 50 साल चलाओ कोई मना नहीं करता, कई सारे विंटेज गाड़ियां तो 100 साल पुरानी पड़ी हुई होती है, लोग उसको चला रहे होते हैं धक्के मार के। तो अगर लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सरकार ने ये कर दिया कि अगर 15 साल से पुराना व्हीकल है और अगर आप उसको वापस से रजिस्ट्रेशन करवाओगे चलाने के लिए तो इसके ऊपर बढ़िया तरीके से जो है 8 से 20 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि आपसे वसूली जाएगी। जितनी की आपकी गाड़ी आएगी ना उतनी की आपसे रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि वसूली जाएगी। अब कई लोगों को विंटेज बनानी है अपनी गाड़ी तो भाई बना लो कोई बात नहीं, ठीक है, तो लेकिन आपको पैसा जो है ज्यादा देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, चलिए तो ये बात है जो कि यहाँ पे बताई गई है। आगे बात करते हैं जो कि है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर। देखिए प्लास्टिक बैन हम कई बार बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, फाइनली दोस्तों सरकार ने फिर से बोला है कि 2022 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन है जो कि करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई भी कटलरी होती है आपकी प्लास्टिक की, ईयरबड होते हैं, आइसक्रीम की जो स्टिक्स आती है, ओके, बलून आते हैं और स्वीट बॉक्सेस के आसपास जो आपकी फिल्म बनी हुई आती है, इन्विटेशन कार्ड आते हैं, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर आते हैं, थर्माकोल आते हैं डेकोरेशन के लिए, इन सबको जो है वो बैन है जो कि किया जाएगा। इनके दोस्तों किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चर करना, इंपोर्ट करना, सेल करना, स्टॉक करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना पूरी तरीके से बैन है, जो कि 1 जुलाई से 2022 से जो है वो करने के लिए बोला गया है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के माध्यम से ये किया गया है, समझ गए मेरी बात। पॉलिथिन बैग जो 50 माइक्रोन से कम के होते हैं वो ऑलरेडी बैन है कंट्री में, मालूम है ना आपको, मिल रहे हैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऑलरेडी बैन है। होता क्या है कि देखिए प्लास्टिक आपको हर जगह देखने को मिलती है, जो भी रैक पिकर होते हैं वो कभी भी पतली वाली थैलियां नहीं उठाते क्योंकि पैसा नहीं मिलता, उसका वेट कम होता है, यूटिलिटी कम होती है,
तो जो 100 माइक्रोन या 200 माइक्रोन से ज्यादा की जो प्लास्टिक है ना उसी का वो कलेक्शन करते हैं, तो वही रिसाइकल होती है। जो कम माइक्रोन की जो पतली वाली जो पॉलिथीन होती है वो इन्वायरमेंट में ही पड़ी रह जाती है। बेचारी गाय खाती है, आज के टाइम पे आपने देखा होगा गाय रोड पे बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो खाती है, उनकी डेथ होती है, इन्वायरमेंट को लॉस, ठीक है, लाइफ को लॉस, और जो भी हमारे इकोसिस्टम है उसके ऊपर लॉस। तो इसीलिए छोटी वाली जो है वो ऑलरेडी बैन कर दी गई है। इसके अलावा कैरी बैग जो है ये सब कर दिए गए हैं, 75 माइक्रोन के भी जो है वो अलाउ नहीं करने वाले 30 सितंबर के बाद से, और 31 दिसंबर के बाद से 120 माइक्रोन वाले तक की सारे के सारे बैन है जो कि करने के लिए बोला गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। गवर्नमेंट का ये मानना है कि इसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें, आम जनता की बात करें, तो इसका अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी 10 रुपए की सब्जी लेने जाते हो तो आपको प्लास्टिक का बैग दे देता है क्योंकि उसके बहुत ही सस्ता पड़ता है, तो वो कभी बना नहीं करेगा। लेकिन इसका अल्टरनेटिव जो जूट बैग आते हैं या कोई दूसरे बैग आते हैं, वो बेचारा एक रेडी वाला आपको 10 रुपए की सब्जी के साथ में देगा कि नहीं देगा, ये टेंशन की बात है, क्योंकि उसकी खुद को 1-2 रुपए अगर कॉस्टिंग बच गई तो 10 रुपए तो उसको वैसे ही 10 रुपए में 1-2 रुपए सब्जी में बच रहे हैं। अगर वो 1-2 रुपए का पॉलिथीन बैग दे देगा तो उसको क्या बचेगा। तो जरूरी है कि इसका अल्टरनेटिव बहुत ही फास्ट लेवल के ऊपर जो है सभी के पास में अवेलेबल हो, तब जाके जो है वो इवेंचुअली प्लास्टिक बैन है जो कि हो पाएगी, ठीक है। बाकी पॉलिसी के अंदर सरकार दोस्तों 2022 से इसको करने वाली है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, आदि गोदरेज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जनसत्ता है, जनसत्ता में दोस्तों कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बंदूक वाली सरकार को समर्थन नहीं देगा भारत, भारत अमेरिका कई देशों ने दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज ने साफ बोल दिया है तालिबान को हम किसी प्रकार सपोर्ट नहीं करेंगे। समझिए मेरी बात, पूरे के पूरे एरिया पे तालिबान का कब्जा हो चुका है, गाड़ियों पे चढ़ गए हुए हैं, नाच रहे हैं, वाच रहे हैं, बढ़िया, ओके। मुंबई के उच्च न्यायालय ने बोल दिया एक फ्लैट मालिक को 4-5 कार रखने की ना दे इजाजत, ओके। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर बेस्ट पॉलिसी पता है क्या है, हालांकि क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन एनवायरमेंट के लिए यही है कि एक आदमी या एक आदमी के नाम पे जो है ना, या एक परिवार के नाम पे एक या दो से ज्यादा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होना ही नहीं चाहिए। मतलब आप जो है प्राइवेट व्हीकल्स, आपके जो बाकी जो चीजें है ना उनको आप काम में लो, वो ज्यादा बेहतर है। कई जगह पे आप देखोगे एक परिवार है, 4 लोग हैं और 4 गाड़ियां रखी हुई है, 3 गाड़ियां रखी हुई है, तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, मतलब समझ गए। तो जरूरी है कि सरकार को एनवायरमेंट का भी ध्यान रखते हुए ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए, हालांकि इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जरूर। चलिए ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है हमारे यहाँ पे किसको लेकर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात करें, देश की पिछले 4 सालों से जो मोस्ट क्लीन सिटी है वो है इंदौर, ठीक है। इंदौर को दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाटर प्लस कैटेगरी वाली सिटी भी सर्टिफाइड है जो कि कर दिया है। अब आप बोलोगे सर वाटर प्लस वाली कौन सी नई कैटेगरी आ गई है, तो देखिए वाटर प्लस कैटेगरी के अंदर क्या है कि आपका जो वाटर मैनेजमेंट है ना, जो रिसाइकल आप पानी को करते हो, वो सब फैसिलिटीज भी बढ़िया होती है, उसकी को वाटर प्लस वाला टैग जो कि मिलता है, जिसके अंदर इंदौर पहली सिटी है जो कि बन चुकी है, समझ गए। कमर्शियल कैपिटल है कंट्री की, क्लीनेस्ट सिटी है, और यहाँ पे सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा कॉन्ग्रेचुलेशन है जो कि यहाँ पे किया गया है, ठीक है गाइस। चलिए ठीक है, ये देखिए ऐसे वाले बोर्ड आपको कई जगह पे कई शहर में देखने को मिलेंगे अपनी सिटी को लेकर। जयपुर के अंदर अजीब बात यह है कि जयपुर में भी ऐसा वाला बनाया गया है, लेकिन उसमें पता लिखा गया है आई लव LA लॉस एंजलिस। एक कोई बिल्डर है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम, LA पता नहीं क्या पसंद आया, तो उसने बिल्डिंग के नीचे ऐसा वाला ही बोर्ड लगाया है आई लव जयपुर, ने आई लव LA लगा दिया, जैसे कि लोग LA पे आके फोटो खिंचाएंगे और उनको ये दिखाएंगे फेसबुक पे कि हम LA के अंदर घूम रहे हैं। बहुत ही अजीब बात है। बहुत गालियां पड़ी उसको शहर के लोगों के द्वारा। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लीनेस्ट सिटी की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंदर मार्किंग स्कीम की स्कीम है जो कि निकाली गई, जिसमें 1500 सिटीजन के फीडबैक, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सर्टिफिकेशन, सर्विस लेवल की प्रोग्रेस, ये सब जो है वो देखने के बाद में 4000 से कवरिंग से ज्यादा सिटीज जो है अक्रॉस इंडिया, छोटी छोटी जो है ना बिल्कुल Tier 2 Tier 3, उनको भी जो है यहाँ पे देखा गया और यहाँ पे सर्वे किया गया, ठीक है गाइस। तो नियर बाय 2.25 करोड़ सिटीजन ने पार्टिसिपेट है जिसके अंदर किया गया है, ठीक है। 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीननेस सर्वे है जो कि ये बताया गया है, ठीक है गाइस। चलिए और ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल सर्वे होता है क्लीननेस को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, हाइजीन को लेकर,
है ना, स्वच्छ भारत मिशन के तौर पे ही इसकी स्टार्टिंग करी गई थी, क्लीन इंडिया एंड फ्री ऑफ ओपन डिफिकेशन 2019 तक करने को लेकर। 2016 के अंदर 73 सिटीज के साथ में स्टार्ट हुआ था। ओके, और तो यहां पे आप देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने जो है बताया है कि वाटर प्लस सिटीज कौन सी है जो कि क्या करती है, वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करती है। ओके, आपके हाउस होल्ड से, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से अगर आप अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसको वाटर प्लस सर्टिफिकेशन है जो कि मिलेगा। ठीक है गाइज, चलिए इसके अलावा तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने पॉन्ड है, जो आपके वेल्स है, जो आपके लेक है, उनको क्लीन रखो तब ये सर्टिफिकेशन है जो कि मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि चाइना ने दोस्तों सेंटेंस दिया है कैनेडियन को जेल के अंदर। तो ये कैनेडियन है दोस्तों, कैनेडियन ओरिजिन बिजनेसमैन है, ओके माइकल, उनको 11 साल की सजा है जो कि चाइना के अंदर मिली है। किस वजह से? चाइना ने उनके ऊपर चार्जेस लगाए स्पाइंग के। ओके, तो यहां पे वेस्ट जो है दोस्तों, देखो अभी आपको प्रॉब्लम समझाता हूं। प्रॉब्लम क्या है, चाइना और वेस्ट कंट्रीज के बीच में, वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या कहता है, चाइनीज ने हुवाई कंपनी के जो ओनर थे उनकी बेटी को भी दोस्तों जेल में डाल दिया था वहां पे, ठीक है, उनके ऊपर भी चार्जेस लगाए थे। तो उसी के तो उस टाइम पे भी चाइना ने काफी नाटक करे, चाइना ने बोला भाई आप गलत कर रहे हो ये वो। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि कैनेडियन एक्चुअली में क्या हुआ था, वो कैनेडा के अंदर थे, लेकिन यूएस की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है क्या हुआ था कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया था। समझ गए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये देखिए, ग्लोबल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डॉटर ऑफ द हुवाई फाउंडर मैंग को अरेस्ट किया गया कनाडा के अंदर, यूएस के द्वारा रिक्वेस्ट है जो कि करी गई और चार्जेस लगाए गए थे, चार्ज ऑफ फ्रॉड। ठीक है, तो वैंगजू के ऊपर चार्ज लगाए गए थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और यूएस के जो सेंक्शन है ईरान के ऊपर उसका वायलेशन है जो कि ये लोग कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात, ये जो मनी जो है वो हवाई की दूसरी कंपनी में ले रहे हैं, ओके, और ईरान के साथ में डील कर रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों ये चार्जेस लगा के इनको पकड़ लिया गया और अभी जो चार्जेस लगाए गए हैं यहाँ पे देख सकते हो 11 साल की सजा हुई है, 50,000 युआन का लगा गया, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली गई है, डिपोर्टेशन करेंगे 11 साल के बाद में। सारे यूएस के जितने भी नॉर्थ अमेरिका के यूरोपियन कंट्रीज है उन सबने जो है इसको काफी कंडम किया है और बोला है कि ये सिर्फ एक रिवेंज है जो कि चाइना के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि यहां पर है एनसीपीसीआर रिकमेंडेशन ऑन माइनॉरिटी स्कूल्स को लेकर। आप सभी को मालूम है राइट टू एजुकेशन का मतलब होना चाहिए रियलिटी के अंदर कि सभी बच्चों को, सभी स्कूल के अंदर 25% जो है ना वो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा है जो कि मिले। ओके, होना तो ये चाहिए कि उनका बैग, स्कूल बुक्स और प्रॉपर तरीके से उनकी स्कूलिंग हो, उनको जेन्युइनली जो है वो स्कूल के अंदर एडमिशन करवाया जाए, लेकिन राइट टू एजुकेशन भी आज के टाइम पे बहुत सारे राज्यों के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली रह गई है, प्रैक्टिकल तो खत्म से होने लग गई है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, इंपैक्ट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर द आर्टिकल 15(5) विद रिगार्ड टू आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली के अंदर जो राइट टू एजुकेशन जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो स्कूल है ना उसके अंदर दोस्तों ये अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एनसीपीसीआर ने बोला है कि भाई माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज के जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर भी इसको इंप्लीमेंट है जो कि करवाया जाए। समझ गए मेरी बात, ताकि सभी को जो है बच्चों को शिक्षा है जो कि मिल सके। अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आपके दोस्तों कौन से होते हैं, जैसे कि आपके मदरसा होते हैं, आपके मिशनरी स्कूल्स होते हैं, ओके, इन स्कूल के अंदर जो है वो सारे लॉज रेगुलेशन माने जाए जो कि सर्व शिक्षा अभियान में इंक्लूड करे गए या एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड करे गए। ये बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है, रिकमेंडेशन दिया गया है। हमारे देश में दोस्तों 13 करोड़ के आसपास जो है वो बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, 13 करोड़ के आसपास। स्कूल कितने हैं, 10 लाख स्कूल के अंदर, नियर बाय 10 से 11 लाख स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जहां पे 13 करोड़ बच्चे हैं जो कि पढ़ते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल की बात करें तो 12 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल कितने हैं, 4.5 लाख। यानी कि आप देख सकते हो कि हमारे सरकारी स्कूल ज्यादा है लेकिन फिर भी क्वालिटी कम है। प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चा उतना ही पढ़ रहा है लेकिन आधे प्राइवेट स्कूल है देश में, इन क्वालिटी अच्छी है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में। अब होना ये चाहिए कि इतने सारे स्कूल बना रखे हैं तो ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट आपके देश की 50% जो ग्रामीण बच्चे हैं ना उनको तो A1 नंबर की एजुकेशन है जो कि मिल सके। सोचिए अगर ये डेवलप हो गए तो देश का जो लेवल है वो कहां पे पहुंच जाएगा। ओके, अगर ये बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ गए, ये तो ठीक है पढ़ जाएंगे, जॉब भी कर लेंगे प्राइवेट स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है 13 करोड़ बच्चों का, या वो बच्चे जो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर वो बच्चे जो कि अच्छी शिक्षा नहीं लेके आ पा रहे हैं। ठीक है,
देश की इकोनॉमी में 1.7 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन है, जो कि होता है 70% प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट है वो भी 1000 रुपए से कम की फीस है जो कि पर मंथ देते हैं। 45% प्राइवेट स्कूल के अंदर 500 रुपए से कम की फीस अवेलेबल करवाते हैं। ओके, अपने जो स्माइल फॉर ऑल के अंदर जो स्कूल में एडमिशन करवाते हैं वो भी इसी कैटेगरी में, 500 रुपए पर मंथ में किसी भी बच्चे का। 73% जो पेरेंट है दोस्तों वो प्राइवेट स्कूल को प्रीफर करते हैं, उनको मालूम है कि बेटर लर्निंग और उनका बच्चों का बेटर भविष्य प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलता है। 16 राज्यों के अंदर 50% स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल को जो है वो अटेंड करते हैं। ठीक है गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल के अंदर भी देखिए 60% जो गांव के अंदर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना उसके अंदर फिफ्थ क्लास का बच्चा ओके 3 डिजिट के डिविजन भी नहीं कर पाता। प्राइवेट स्कूल के बच्चे की बात कर रहा हूं गांव के अंदर जो होते हैं। 35% जो गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल है पांचवी क्लास का बच्चा वो बेसिक सेकंड लेवल के पैराग्राफ को रीडिंग नहीं कर सकता। एवरेज स्कोर जो क्लास 10 के जो स्टूडेंट का प्राइवेट स्कूल में है वो बिलो 50% है 5 में से 4 सब्जेक्ट में अंदर। तो यानी कि जो ये वाले जो 50% प्राइवेट स्कूल है ना इनकी भी शिक्षा जो है हालत बहुत खराब है जो गांव के अंदर है प्राइवेट स्कूल। जो मेन शहरों के अंदर है वहां तो कंपटीशन की वजह से उनको एजुकेशन थोड़ा सा बेटर है, लेकिन गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल का भी हाल बहुत बुरा है। ठीक है, चलिए यहां पे आप देख सकते हैं 8 से लेकर 11 साल तक का जो बच्चा है ना वो सेकंड क्लास के लेवल के पैराग्राफ को रीड कर पाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरे हालात है। ठीक है, और ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ ऑफ स्कूल एनरोलमेंट ओवर द इयर्स, तो पहले 74% बच्चे सरकारी स्कूल में जाया करते थे 1978 में, अभी वो कम होते होते देखिए भरोसा कम होता जा रहा है 52% रह चुके हैं। ओके, तो ये जो है बच्चे धीरे धीरे कम हो रहे हैं सरकारी स्कूल के अंदर। ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, मतलब कि हमारे जो हम तो टैक्सेस का पैसा देते हैं उससे बच्चे पढ़ने चाहिए फ्री में, यही तो मोटिव होना चाहिए टैक्सेस इनका। ओके, लेकिन बच्चे कम हो रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, चिंता का विषय है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात मैं आपको बता चुका हूं। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्लॉज 5 हमने ऐड किया था आर्टिकल 15 में, जिससे ओबीसी एसटी एससी को एडेड और अनएडेड इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को ठीक है एजुकेशन की बात करी गई। आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया था जिसमें हमने 6 से लेकर 14 साल तक का जो बच्चा है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करी थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने इसको एड ऑन जो की किया था। ठीक है गाइस, और 93 के तहत स्पेशल प्रोविजन एड ऑन करे थे एसटी एससी ओबीसी को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और ठीक है, ये देख सकते हो कम्युनिटी जो कम्युनिटी वाइज एनरोलमेंट जो माइनॉरिटी स्कूल्स के अंदर है। ओके, मुस्लिम पॉपुलेशन के मैक्सिमम जो है वो माइनॉरिटी स्कूल्स के अंदर ही है, उसके बाद में क्रिश्चियन स्कूल्स ठीक है 26% के समवेयर एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहे हैं। चलिए, प्रोविजन ऑफ मदरसा, जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी माइनॉरिटी स्कूल्स होंगे वो आरटीई और सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एग्जेम्पशन है जो कि उनको मिलता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैंने आपको बताई दिया गाइस कि स्माइल फॉर किड्स शिक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी कैंपेन को जो है कल सुबह 9 बजे से आप सभी को ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है। 1000 बच्चों को स्कूल जो है वो भेजने को लेकर 1000 फिलैंथ्रोपिस्ट है जो कि हमको ढूंढने हैं, जो कि 500 रुपए पर मंथ में इन बच्चों को शिक्षा जो है वो दे सके। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको सपोर्ट करेंगे मैक्सिमम और सभी लोगों तक इस कैंपेन को पहुंचाएंगे ताकि मैक्सिमम जो है वो बच्चे स्कूल जा सके कल के दिन। तो आप अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जहां पर भी आप हो इस कैंपेन को जो है सपोर्ट करिएगा, यूट्यूब पे ओके, ताकि सभी बच्चे पढ़ सके। आज के दिन की इतिहास की बात करें तो गाइज इंडिया की बात करें 1947 में पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट उसको मिली थी 14 तारीख को, 15 को हमें, 14 को उसको मिली थी। वर्ल्ड में 1935 के अंदर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है जो कि साइन किया गया ओके यूएस के अंदर, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उन्होंने दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, रिटायर्ड लोगों को, डिसेबल लोगों को पहुंचाने के लिए, आपको मालूम है ना जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे क्या मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस मिलते हैं ओके, और वो हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा होते हैं, 30-40 हजार रुपए इंडिया के बन जाते हैं, कई लोग तो अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस के ऊपर ही इंडिया में जी रहे होते हैं ओके। 1904 की बैटल ऑफ उल्सान जो है वो स्टार्ट हुई थी जापानी सी के ऊपर, जहां पर रशिया और जापान के बीच में लड़ाई हुई थी ओके। वोकैबुलरीज की बात करें तो आज की पहली वोकैबुलरी है बैफल, इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना, जब आप बहुत कंफ्यूज होते हो तो बैफल होते हो, पजल, बैफर, बी विडलर, परप्लेक्स, ये दोनों एग्जाम में बहुत आते हैं वर्ड। नेक्स्ट है इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन है मतलब किसी भी चीज का ऑलरेडी पता लगना जो कि बहुत ही डेंजरस होती है, फ्रैटनिंग होती है, टेरिफाइंग होती है ओके, फ्रैटनिंग होती है, डाउटिंग होती है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्लंज, प्लंज का मतलब गिरना,
नेक्स्ट है हाउंड, हाउंड का मतलब है तंग करना, किसी को हरेस करना, परेशान करना, हाउंड बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है स्क्रम्बल, यानी कि किसी को धक्का मुक्का करना, धक्का देना, उसको अपन स्क्रम्बल कहते हैं। ठीक है गाइज, चलिए। और एस्टोनिशिंग का मतलब है जब आप बहुत ही सरप्राइज होते हो, एस्टोनिश का मतलब सरप्राइज होना, अमेज होना, शॉक होना, स्टैगरिंग, ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका मैमोथ का मतलब बहुत ही बड़ा, ओके, जैसे कि खली, ये जो मैन है ना खली, ये बहुत मैमोथ है, यानी कि बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसका कोलोसल इंपॉर्टेंट है, गर्गट्वान इंपॉर्टेंट है, इनॉर्मस पेपर में आता है कई बार। एवलैंच यानी कि भूस्खलन, जैसे कि आपको मालूम है सडन कोई चीज गिरती है उसको अपन बोलते हैं। और क्यूबल, क्यूबल का मतलब है कमी, शिकायत, उसको कहते हैं स्मॉल कंप्लेन करना बात बात पे। फिर प्रोफ्यूजन यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज होती है उसको अपन कहते हैं। आज का फन फैक्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही जबरदस्त फन फैक्ट है, जो कि हम एक जापानीज के बारे में बात करेंगे, ओके, जो कि जिनका नाम है सुगिहारा। सुगिहारा दोस्तों एक ऐसे जबरदस्त पर्सन थे, एक अनसंग हीरो थे, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। आपको मालूम होगा कि ज्यूइश को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता, लाखों ज्यूइश को जो है जिंदा जला दिया गया, काट दिया गया, मार दिया गया था जर्मन्स के द्वारा दोस्तों, फेक नेशनलिज्म के चक्कर में। ओके, इस अकेले आदमी ने ना 6000 ज्यूइश को बचाया था, बॉर्डर क्रॉस करवाया था। ओके, जब ये मैसेकर चल रहा था तो ये जापानीज दोस्तों डिप्लोमेट था लुथेनिया के अंदर। ओके, जब नाजीज ने दोस्तों ज्यूइश को घेरना चालू किया तो सुगिहारा ने क्या किया, खुद की लाइफ को डेंजर में डाल के जो ट्रेवल पासेस होते ना, वो रात दिन जो है वो ट्रेवल पासेस बनाए ज्यूइश लोगों के, एक दिन में 18-18 घंटे वो पासेस बनवा के उनको ट्रेन में फेक फेक के लोगों को जो है डलवाया और वहां से बॉर्डर है जो कि पार करवाई। ओके, तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 6000 लोगों को इन्होंने मदद है जो कि अवेलेबल करवाई, जहां से इवैक्यूएट करवाया और उनको उन जगह से जो है निकालने के अंदर मदद निकालने में उनको हेल्प करी। पूरी दुनिया को इनके बारे में नहीं पता, जब इसराइल ने जो है इनको ऑनर किया इनकी मरने से एक साल पहले 1985 के अंदर, तब जाके पूरी दुनिया को इनके बारे में पता लगा। ओके, तो 6000 लोगों की इन्होंने जान है जो कि बचाई थी। ओके गाइस, इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप अनअकैडमी के ऊपर BHU10 या बुरेस्टन लगा सकते हैं, आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस में, टेस्ट सीरीज में। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डाल के नीचे की तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे रेफरल कोड है जो कि आपको लगाना है। ठीक है, चलिए, EMI के थ्रू आप पे कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफर चल रहा है और UPSC के कॉम्बोज के ऊपर, प्लस के ऊपर काफी लार्ज डिस्काउंट है जो कि आपको मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आपके पास में ही लगा दीजिएगा, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। GK पढ़ने के लिए SSC का फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट GK मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है। नेक्स्ट है, किस देश ने कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए अतिरिक्त COVID-19 वैक्सीन खुराक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन सा शहर बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फेसलेस परिवहन सेवाएं शुरू करी है, ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं ना, ये था। द रेजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज वॉज पास ड्यूरिंग विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा गाइस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। कल सुबह वापस मिलेंगे 9 बजे। कल सुबह स्माइल फॉर ऑल के कैंपेन में शामिल होना मत भूलिएगा, मैक्सिमम शेयर करना है। ओके, हजारों लाखों ट्वीट है जो कि होने चाहिए ट्विटर के ऊपर, ताकि सभी लोगों को इस कैंपेन के बारे में पता लग सके और हर बच्चा जो है वो स्कूल जा सके। ठीक है, अब पूरी जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।